हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CU CET के बारे में बात करेंगे। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मैं CU CET के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के बारे में बात करूं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने TUET कंडक्ट करेंगे या CU CET, ऐसा कुछ हमारे पास रिटन कंफर्म्ड नोटिस नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक नोटिस है जो बोलता है कि वो इधर CU CET करेंगे या वो DUET करेंगे, बट दोनों में से कौन सा 100% होगा, कौन से कोर्स के लिए क्या होगा, उसके लिए अभी क्लैरिटी अवेटेड है। बट ये कंफर्म्ड है कि इस बार आपका कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन होगा आपका CU CET या DUET के बेसिस पर। हम CU CET का क्वेश्चन पेपर अगर डिस्कस करें तो आज की डेट में अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या CU CET ने इस सेशन का 2022-23 के एडमिशंस का कोई भी सिलेबस अभी तक पब्लिश नहीं किया है। बट जो लास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हिसाब से आपके पेपर, क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए विच इज बेसिकली योर एप्टीट्यूड पार्ट, एंड पार्ट बी जो डोमेन स्पेसिफिक पार्ट होगा। और टोटल क्वेश्चन पेपर विल बी फॉर 100 मार्क्स, एंड इट वुड बी MCQ बेस्ड, एंड ऑल्सो द ड्यूरेशन वुड बी 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। अब हम पार्ट ए की अगर बात करते हैं विच इज एप्टीट्यूड बेस्ड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या होगा, इसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा विच इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। देन इसमें आपका क्वांट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देन इसमें आपका LR होगा, लॉजिकल रीजनिंग, एंड इसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी होगा। जनरल अवेयरनेस इज बेसिकली दी करंट अफेयर्स जो आपको डेली न्यूज सुनने से, एंड मोर देन न्यूज सुनना, न्यूज़पेपर्स, अच्छे न्यूज़पेपर्स, समथिंग लाइक द हिंदू, द मिंट, वो सब पढ़ने से यू विल बी अपडेटेड। एंड अबाउट दी जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, आई थिंक जो आपने अपना 6th, 7th, 8th, 9th में अपने सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में, जनरल साइंस में पढ़ा है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 10th स्टैंडर्ड के लेवल का मैथ्स होगा, एंड यहाँ पर गेम चेंजर इज हाउ प्रिसाइजली, हाउ एक्यूरेटली एंड हाउ क्विकली कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी जो आपके एलजेब्रा पर बेस्ड होंगी, ज्योमेट्री पर बेस्ड होंगी, आपकी टाइम इक्वेशंस पर बेस्ड होंगी। आप अगर आपके मैथ के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग और बहुत क्लियर हैं तो यू कैन इजिली सेल थ्रू दी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो। देन आपका जो LR लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज स्कूल में हमें इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती अनफॉर्चुनेटली। तो मार्केट में बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बुक्स हैं। आई वुड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, यू कैन बाय दैट। एंड लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको इंटरनेट पर भी इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। सो द लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकली ट्रेनिंग योर माइंड। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी एट इट। एंड आई वुड सजेस्ट, बिकॉज अभी 12th क्लास के मार्क्स का इतना ज्यादा तो इम्पोर्टेंस कुछ रहा नहीं है, दीज आर नाउ लो स्टेक एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि 12th में आपकी परसेंटेज 99 नहीं आई और 95 आ गई तो यू आर नाउ गोइंग टू लूज अ कॉलेज, बिकॉज अभी एडमिशन आपके मार्क्स बेस्ड तो है नहीं, अभी तो एडमिशन है CU CET में। आपका कैसा मार्क्स आएगा उसकी मेरिट पर आपके एडमिशन है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करिए उसकी। एंड बहुत सारे बच्चों का 11th 12th में ऐसा एटीट्यूड होता है, दे डोंट वांट टू स्टडी इंग्लिश, वो बोलते हैं इंग्लिश कौन पढ़ता है। सो नाउ आई थिंक दैट एटीट्यूड विल नॉट हेल्प, बिकॉज जो आपका इंग्लिश वाला लैंग्वेज वाला पोर्शन होगा उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस, फाइंडिंग एरर्स, फाइंडिंग ओमिशन, देन योर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स। तो ये जो आपका इंग्लिश में होता है, कॉम्पोजिशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो सकता है, बेस्ड ऑन दैट देयर वुड बी क्वेश्चंस। तो वो प्रैक्टिस आपको, अगेन इट कम्स विद प्रैक्टिस। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रीडिंग जरूर करें,
इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करोगे तो उससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा और उसके साथ साथ योर करंट अफेयर्स की भी आपकी तैयारी हो रही है, जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी हो रही है। देन जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी इज बेसिकली गोइंग टू बी डोमेन स्पेसिफिक। अब अगर हम डोमेन स्पेसिफिक की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने जूलॉजी ऑनर्स करना है तो आपको जूलॉजी के ही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। उसमें पार्ट बी में भी सब पार्ट्स होंगे, बिकॉज आपने साइंस फील्ड में जाना है या साइंस में अंडर ग्रेजुएशन करना है तो कुछ पार्ट आपके केमिस्ट्री के होंगे, कुछ पार्ट आपके फिजिक्स के होंगे, कुछ पार्ट आपके मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल या मेडिकल के होंगे। एंड हो सकता है आपको चॉइस हो कि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स मैथ वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे एंड मेडिकल वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जो बच्चे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं फिर उनके लिए क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक्स, योर अकाउंटेंसी, योर बिजनेस स्टडीज। एंड जो बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले होंगे उनके क्वेश्चंस वही होंगे बेस्ड ऑन योर पॉलिटिकल साइंस, योर हिस्ट्री, योर इकोनॉमिक्स, जनरल क्वेश्चंस। एंड सो आई फील दैट अगर आप अपने 11th और 12th के सिलेबस से वेल वर्स्ड हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, देन व्हाट यू नीड इज ओनली कांस्टेंट प्रैक्टिस। आप एप्टीट्यूड एग्जाम की डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, आप इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे एंड आप अपने 11th एंड 12th के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को अगर बहुत अच्छे से जानते हैं देन यू डोंट नीड एनी कोचिंग और एक्स्ट्रा हेल्प। बट स्टिल इफ यू फील कि आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू नीड अ लिटिल हैंड होल्डिंग, देन आई वुड सजेस्ट देर आर अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड जो इस तरीके की कोचिंग या हेल्प ऑफर कर रहे हैं। आप वहां भी जा सकते हैं, 1-2 घंटा क्लासेस लेने में कोई नुकसान नहीं है। अगर उससे कोई फायदा नहीं होगा तो आई कैन अश्योर यू आपका नुकसान नहीं होगा, बिकॉज आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा, आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे ऑफ प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस डेली एंड दैट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड साथ साथ आप अपने 11th 12th का तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, 12th की तो कर ही रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट विल हेल्प यू टू अचीव गुड मार्क्स। अब यहाँ पर बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि पहले सीयूसीईटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने डिसाइड किया था कि वो सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे, जैसे आपका नीट का होता है या आपका जेईई का होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इस बार सेंट्रल काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे सीयूसीईटी के रिटन एग्जाम के बाद, बिकॉज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर फैसिलिटीज। सो इसका थोड़ा सा नुकसान भी है, बिकॉज जब सेंट्रल काउंसलिंग होती है तो कोई भी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 6, 7, 8, 10 जगह सीट रिजर्व करके नहीं रख सकता। एक स्टूडेंट को एक ही टाइम में डिसीजन लेना है, एक ही सीट लेना है और बाकी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। अब थोड़ा सा डर ये रहता है जब सेंट्रल काउंसलिंग नहीं है कि एक स्टूडेंट ने मान लो 5 जगह फीस पेमेंट कर दी और वो 5 जगह अपनी सीट रिजर्व करके बैठ गया, तो उससे काफी सीट्स का वेस्टेज होने की पॉसिबिलिटी है। बट नेवरदलेस कुछ नहीं कर सकते हैं। सो योर एम शुड बी कि मुझे मेरिट में हाईएस्ट आना है सो दैट आपको अपनी चॉइस का कॉलेज और अपनी चॉइस का यूनिवर्सिटी मिल सके। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आप पहले से ही अपने चॉइस कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो चॉइस ऑफ कॉलेज पहले से ही स्टडी करके रखिएगा। अभी जैसे आज मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम मुझे हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन से कॉलेज में अप्लाई करूं, कौन सा कॉलेज ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। तो वो रिसर्च आपको पहले से करके रखनी होगी, बिकॉज मेरिट आने के बाद वो रिसर्च करने में टाइम वेस्ट होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी दें वो आप बहुत ध्यान से दें, बिकॉज अगर आपने सपोजिंग अपनी फर्स्ट चॉइस में एबीसी कॉलेज दे दिया, आप मान लो मेरिट में आप आए, आपको एबीसी कॉलेज अलॉट हो गया, नाउ आपका माइंड चेंज हो गया, आप एबीसी कॉलेज में जाना नहीं चाहते, आप किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो, तो फिर वो एबीसी कॉलेज दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगा एंड यू विल लूज अ चांस ऑफ गेटिंग द सेकेंड कॉलेज ऑफ योर चॉइस, बिकॉज पहले वो कॉलेज उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनकी वो कॉलेज फर्स्ट चॉइस थी।
अगर उसमें सीट्स बची उसी के बाद ही आपको पॉसिबिलिटी है सेकंड चॉइस ऑफ योर कॉलेज में जाने की। तो अपना जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप डालेंगे उसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही मेरा फर्स्ट चॉइस ऑफ कॉलेज होगा, यही मेरा सेकंड चॉइस ऑफ कॉलेज होगा, यही मेरा थर्ड चॉइस ऑफ कॉलेज होगा। सो या ये यूनिवर्सिटी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकेंड है, ये थर्ड है। सो विद दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। एंड जनरली ये देखा गया है विद द पास्ट स्टैटिस्टिक्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंस होती है। सो विद दिस आई पुट एन एंड टू टुडेज वीडियो। प्लीज कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो इफ यू फील इट इज ऑफ हेल्प टू यू। एंड जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई ऑथेंटिक सर्क्यूलर आएगा जिसमें वो सिलेबस या वो कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई सर्कुलर आएगा, आई विल कीप यू इन्फॉर्म। मैं एनालाइज करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।